मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नाउ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, फर्स्टली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैविंग थ्री टाइप्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फर्स्टली वी क्लियर द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन्स एनी टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर द फाइनेंस फॉर द स्टार्टिंग अप ऑफ योर बिजनेस और एंटरप्रेन्योर। बच्चे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन्स कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उसका फाइनेंस चाहिए। विदाउट फाइनेंस कोई भी पर्सन या कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। मेनली हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट, फाइनेंस इज ए लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। आप मेरे को खुद ही बता सकते हो कोई भी बिजनेस है जिसमें हम बिना फाइनेंस के काम कर सकते हैं? चाहे आप बच्चे ऑनलाइन बिजनेस देख लो, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस देख लो, हर एक बिजनेस में बच्चे हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चाहिए होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। देखो, अगर ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए आपको लगता है कहीं पे हमें लोकेशन नहीं चाहिए। बच्चे, तुम्हें ऑनलाइन काम करने के लिए तुम्हारे पास फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी होने चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो। ऑफलाइन कर रहे हो, तुम्हें लोकेशन चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो बच्चे तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इट मीन्स कोई भी बिजनेस विदाउट फाइनेंस हम नहीं वर्क कर सकते हैं। क्लियर है किसी स्टूडेंट को अभी तक? Yes. इसके मीनिंग में डाउट बोलो। No, बच्चे क्लियर है? देखो बच्चे, अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट। पहले सबसे फर्स्ट टाइप करेंगे हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बच्चे हमारे पास आएंगे कौन कौन से टाइप्स आएंगे? देखो, सबसे फर्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है बच्चे? हमारे पास एक शॉर्ट टर्म टाइप है। सपोज अगर आपने सप्लायर से गुड्स परचेज किए हैं, उसको बोला मीन्स हम आपकी जो पेमेंट है इंस्टेंटली ना करके आफ्टर कुछ टाइम पीरियड के बाद करेंगे, तो इट मीन्स जो हमें पीरियड मिल गया उसमें हम उस पेमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो इट मीन्स ट्रेड क्रेडिट एक इसमें हमें टाइम पीरियड मिलता है जिसमें हम आफ्टर कुछ सम टाइम के बाद पेमेंट करते हैं, और इसमें बच्चे हमारी सप्लायर के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट या डिस्कशन होती है, मीन्स हमें पेमेंट कुछ टाइम के बाद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास वो है अक्रूड एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड इनकम। अक्रूड एक्सपेंसेस मीन्स वो वाले एक्सपेंसेस बच्चे जिनको हमने जिनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लिया, फिर जिनके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर लिया, बट उनकी पेमेंट अभी हमें देनी डिले है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी अभी सैलरी देनी पेंडिंग है, क्योंकि बच्चे हम उनकी सैलरी वीकेंड, मंथ एंड, क्वार्टर एंड ऐसे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे क्रूड एक्सपेंसेस के अंदर साथ है डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मीन्स बच्चे हमने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए और गुड्स की अभी हमने सप्लाई करनी है, तो इट मीन्स हमारे पास पैसे वो पहले आ गए तो हम एज ए शॉर्ट टर्म उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में बच्चे बैंक हमें गारंटी देता है। सपोज अगर सप्लायर ने गुड सेल किए कस्टमर को, सपोज अगर कस्टमर बाय चांस क्या कर देता है, फ्रॉड मीन्स नहीं पैसे देता, तो उस केस में बच्चे हमें पहले बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है, गारंटी देता है। अगर बाय चांस कस्टमर पैसे देने में डिले हो जाता है तो उस केस में बैंक उनको गारंटी देता है, अगर कस्टमर नहीं देगा तो वो उनके बिहाफ पे पैसे देंगे। तो इट मीन्स ये सप्लायर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में बच्चे हम इंस्टेंटली सारी पेमेंट ना पे करके इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, मीन्स मोस्टली जो बच्चे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं हमारी मंथली बेसिस भी होती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास बैंक फाइनेंस। बैंक फाइनेंस में बच्चे हमें बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब है उसके बाद बच्चे मीडियम टर्म। बच्चे सबसे पहले शॉर्ट टर्म में टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है लेस देन वन ईयर, और मीडियम टर्म में टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है 1 to 5 years तक। ठीक है, हम मीडियम टर्म सोर्सेज फाइनेंस क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए। और बच्चे इसमें मीडियम टर्म में कौन कौन से आते हैं? सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मीन्स बच्चे फाइनेंस जो प्रोवाइड करते हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के नाम है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जैसे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है जैसे बच्चे इसमें कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स भी हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। ये बच्चे कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में बच्चे हमें क्या होता है, हमें
गुड्स यूज करने के लिए दे दी जाती है, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाता है, हमें इसमें इंस्टेंट पेमेंट नहीं करनी होती। और बच्चे हमें यहाँ पे जो है ऑनरशिप का जो राइट पोजीशन मिल जाती है, ऑनरशिप हमें तब मिलती है जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट है बच्चे मीडियम टर्म में, जिसमें जो है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, जिसमें हमें कोई गुड्स है इंस्टॉलमेंट में हम परचेज करते हैं। लास्ट बच्चे टाइप है वो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखो बच्चे लास्ट इसकी जो सब टाइप है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मीडियम कर लिया अभी, पहले शॉर्ट किया फिर मीडियम किया, अब है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बच्चे जिसमें टाइम पीरियड मोर देन 5 ईयर्स का इन्वॉल्व होता है, इसमें बच्चे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन किन किन से हम अपना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे फर्स्ट है बच्चे शेयर्स। शेयर्स क्या होता है बच्चे, मेनली ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज इशू करती हैं, इसमें हमें कैपिटल जो होती है कंपनी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं, और जिनको परचेज करते हैं बच्चे उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो इट मीन्स शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ऑनर्स बन जाते हैं कंपनी के, और उनका नेम बच्चे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंशन होता है। नेक्स्ट बच्चे इसके बीच टाइप है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी बच्चे कंपनीज इशू करती हैं, बट बच्चे इसमें क्या होता है, हमें डेट मिलता है और इसमें हमें जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट देनी कंपलसरी होती है हर ईयर। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इसमें टर्म लोन्स। टर्म लोन्स में बच्चे हमें जो टाइम पीरियड है, नेक्स्ट बच्चे जो इसमें सब टाइप थी है वो है टर्म लोन। टर्म लोन में बच्चे हमारे पास मोस्टली जो टाइम पीरियड होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए मोर देन 5 ईयर से अबव होता है, और इसमें बच्चे हमें जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चाहिए, मींस हमें मशीनरी के लिए चाहिए, कैपिटल वर्क फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन के लिए चाहिए होता है। लास्ट बच्चे जो इसमें लॉन्ग टर्म में है सोर्स वो है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग में बच्चे हमारा एक लीज एग्रीमेंट होता है जो कि कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है। बच्चे जो इस एसेट का ऑनर होता है, जो हमें प्रोवाइड करता है लीज में एसेट, उसको बोलते हैं लेसर, और जो पर्सन उसको यूज़ करता है उसको बोलते हैं बच्चे लेसी, और जिस टाइम पीरियड के लिए हम जो रेंट पे करते हैं उसको बोलते हैं लेसी रेंटल्स, और बच्चे जो इसमें हम प्रीमियम पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, और जितने टाइम पीरियड के लिए लेते हैं उसको बोलते हैं लीज पीरियड। मीन्स हमें बच्चे इसमें एसेट मिल जाती है टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने के लिए। इसमें मोस्टली बच्चे टाइम पीरियड कभी कभी 99 ईयर्स तक एंड होता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें टाइम पीरियड हमें ज़्यादा मिल जाता है एसेट को यूज़ करने का। बच्चे अभी तक मैंने आपको सारे टाइप ऑफ सोर्सेज करा दिए, किसी को भी किसी भी सोर्स में डाउट है तो पूछ लो। है किसी स्टूडेंट को डाउट? क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? क्लियर बच्चे? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।